अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं डोसे के अंदर जो फीलिंग होती है आलू की, वो मसाला आलू मैं बना रही हूँ। मेरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए हुए थे 3 इस साइज़ के बड़े वाले साइज़ के आलू। इसको मैंने बॉईल कर लिए नमक डाल के और इतने इतने पीसेस में कट कर लिया है छोटे छोटे। प्याज जाएगा इसके अंदर 1.5 मीडियम साइज़ का, इसको इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ते के। एक छोटी साइज़ का टमाटर, इसको डी सीड करके इतने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। 3 माइल्ड वाली चिली, इसको इस तरह से कट कर लिया है मैंने। पिंच ऑफ हल्दी, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चों का पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। चना दाल मैंने ली हुई थी 1 टेबल स्पून, इसको मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो दिया और अब ये थोड़ी फूल गई है, अब मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, तो अब मैंने ड्रेन करके रख ली। 4 से 5 लाल वाली मिर्चें सूखी, 1 टीस्पून जितना उड़द दाल, 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ऑयल गर्म हो गया, सबसे पहले मैं इसमें राई डाल दूँगी, ये हल्की होगी, इसके बाद ज़ीरा और ये सारी दाल सब डाल दूँगी मैं। ये थोड़ा सा होगा, इसमें हम मिर्ची डाल देंगे और करी पत्ते। प्याज प्याज सॉफ्ट हो गया, इसमें डाल दूंगी मैं ये वाली मिर्चें, आलू, हल्दी, नमक और लाल मिर्चें। ये अपन टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा कम चाहिए तो आपको। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स होने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी 1/2 कप जितना, और इसको वापस से मिक्स कर लूँगी। ये सब मिक्स हो गया है, नमक मैंने टेस्ट कर लिया सही है। टमाटर डाल देंगे हम इसमें, और मैं आपको धनिया बताना भूल गई थी, इसमें थोड़ा सा धनिया भी जाएगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। ये डाल के मैं मिक्स कर लूँगी और ये डिश आउट के लिए रेडी है। ये रेडी हमारे डोसे के आलू। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।